हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी में जो इंटरव्यू हो रहा है इस समय सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, आगरा किस लिए प्रसिद्ध है। जो जिससे ये पूछा गया था वो आगरा से था, तो इसलिए उसके बारे में आगरा से के लिए बारे आगरा के बारे में पूछा गया। तो आगरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ताजमहल के लिए आगरा प्रसिद्ध है। और किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था, बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ ताजमहल से बनते हैं, आगरा से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, 18वें एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया। तो 28वें सॉरी 18वें एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया गया था, इंडोनेशिया में किया गया था। और इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो दर और रिवर्स रेपो दर और बैंक दर के बारे में समझाइए। तो इसका इसके बारे में मैंने डिटेल में आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा जो कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था ये क्वेश्चन को, तो मैंने इस वीडियो में यहाँ पर नहीं लिया है। मैं सिर्फ यहाँ पर दर के बारे में सिर्फ यहाँ बता दे रहा हूँ। और इसके बारे में डिटेल देखने के लिए आप जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू जो हुआ है उसका वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहल इसमें रेपो दर जो है ये 6.50 हो गया है, और रिवर्स रेपो दर हो गया है 6.25% हो गया, और बैंक दर जो है वो 7.25% हो गया है। तो यह दर जो है 1 अगस्त 2018 के बाद से लागू हो गई है। तो ये दर याद रखिएगा, ये दर भी पूछा जा रहा है। और इसके बारे में डिटेल आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो में जाकर जो कि जूनियर असिस्टेंट का है वीडियो। और इसके बाद जो पूछा गया वो है, हमारा सौरमंडल किसमें स्थित है। तो हमारा सौरमंडल किसमें स्थित है, तो मंदाकिनी या आकाशगंगा में स्थित है, इसे मिल्की वे भी कहते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था। तो जान रहे हैं जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था, और निधन कब हुआ है, 1966 ईस्वी में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का निधन। इसके बाद पूछा गया TDS क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और इसे देख लीजिए TDS के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, तो इसके माध्यम से इनकम टैक्स का पता लगाया जाता है या फिर इनकम टैक्स का आकलन किया जाता है कि कितना इनकम टैक्स होगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ देख लेते हैं, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को का पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना आगे भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद देखिए, ट्रेडिंग लॉट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए किसे कहते हैं, शेयरों की वह न्यूनतम शाखा या गुणांक, शेयर की वह न्यूनतम शाखा या गुणांक को ट्रेडिंग लॉट कहते हैं जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जाता है। तो इसे लॉट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉट होता है, तो लॉट का मतलब ही हो गया कि एक तरह का एक ही बार में कई चीज़ का, मतलब कि लॉट तैयार करना, गठरी तैयार करना जिस तरह से होता है, उसी तरह से लॉट का मतलब शेयर बाजार में ये होता है कि एक ही बार में शेयर को बेचा जाना या क्रय किया जाना। जैसे 10 शेयर है तो उसे एक ही बार में लिया जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये भी देखिए जूनियर असिस्टेंट का रिपीटेड क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आगे फिर से देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो जाकर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर जूनियर असिस्टेंट का मैंने जितने भी वीडियो डाला है इंटरव्यू का वो सारे एक बार ज़रूर आप लोग देखें, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत सारे फायदा होने वाला है। और इसके बाद देखिए
रसायन के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि पेपर ज़रूर पढ़कर जाइए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। और ये अभी हाल ही का क्वेश्चन ये पूछा गया है, 1-2 दिन 3 दिन जो भी हो रहा है। तो ये तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो किसे किसे दिया गया है तीन वैज्ञानिकों का, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फ्रांसिस एच आर्नल्ड, जो कि अमेरिका के हैं, और इसके बाद जॉर्ज पी स्मिथ, ये अमेरिका के हैं, और तीसरा है सर ग्रेगरी पी विंटर, ये ब्रिटेन को दिया गया है। ये तीनों लोग हैं, तीनों वैज्ञानिक को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में और नोबेल पुरस्कार, और इसमें से एक महिला व दो पुरुष हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कोबोल क्या है? तो कोबोल के बारे में बताना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल, और इस भाषा का विकास व्यवसाय के हितों के लिए किया जाता है, और इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं, लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं, और सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शनों से मिलकर डिवीजन बनता है। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, और इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ये जो इंटरव्यू हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूँगा। और लेकिन उसके लिए कुछ पैड करना होगा आप लोगों को, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।